Hello everybody, my name is Rijita, welcome back to my channel. I work as a flight attendant with Indigo Airlines और मैं इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे कैबिन क्रू के इंटरव्यू के दिन राउंड टू में मुझसे क्या सवाल पूछा गया था और मैंने क्या जवाब दिया था, मैं ये भी आपको बताऊँगी और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि कैसे आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के दिन अच्छे से अपना आंसर फ्रेम कर सको ताकि आप उसी दिन पहले ही चांस पर सिलेक्टेड हो जाओ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर मैं अच्छी लगी हूँ और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मुझसे राउंड टू पे जो सवाल पूछा गया था वो ये है कि नेम अ मूवी दैट यू वॉच्ड रिसेंटली व्हिच हैज इंपैक्टेड यू पॉजिटिवली एंड व्हाई। इसका मतलब ये होता है कि एक मूवी का नाम बताइए जो आपने हाल ही में देखा हो, जो आपको एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा हो और क्यों करा है वो भी बताइए। मैंने क्या जवाब दिया था हूबहू तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं याद करके मैंने टाइप करके रखा है, वो मैं आपको रीड आउट करके सुनाऊंगी क्योंकि मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था इसीलिए मैंने जवाब भी इंग्लिश में ही दिया था। मेरा जवाब ये था, अ मूवी दैट आई वॉच्ड रिसेंटली एंड हैव इम्पैक्टेड मी इमेंसली वुड बी नीरजा। Neerja is a movie that is based on the real life story of the act of bravery by flight purser Neerja Bhanot. It is the story based on the hijacking of Neerja Bhanot's last flight. This movie is nothing but all about the role of cabin crew played really well. She put all the passengers' safety and lives before her own. What can describe the role of a cabin crew even better than this? She has truly been an inspiration for me since I watched the movie. Nevertheless, this also taught me the role that the family of a cabin crew plays. It is also very challenging for our family to stay away from us, knowing that we have undertaken such a difficult and a job which bears a lot of risk. Neerja Bhanot died trying to save two kids. However, her parents are so proud of their daughter's contribution to humanity. Knowing that their daughter lives in our hearts would have given them such a fright, acting as a medicine to the wound that they have lost their daughter forever. तो गाइज ये था मेरा जवाब और अब मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि मैंने क्यों ऐसा जवाब दिया। नंबर 1 इज़ दैट आई कुड हैव मेंशन सम अदर मूवी, है ना, मैं किसी और मूवी का भी नाम ले सकती थी लेकिन मैंने नीरजा क्यों लिया, क्योंकि ये मूवी एविएशन और कैबिन क्रू के लाइफ से रिलेटेड है और मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मैं क्यों दूसरी मूवीज़ की नाम बताऊँ, है ना। मैं ऐसा मूवी मैंने बताया जो एक्चुअली मैंने देखा भी था, हाल ही में तो नहीं देखा था बट मुझे याद था कि ये मूवी मुझे एक्चुअली में इमेंसली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा है। नीरजा मूवी का मैंने आंसर दिया क्योंकि मेरे पास बोलने लायक बहुत सारा कॉन्टेंट भी था, इसीलिए आई चोज नीरजा। सो मेरा एक सजेशन आपको ये होगा कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू के दिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट आप कोशिश करना कि आपका आंसर एविएशन और कैबिन क्रू से रिलेटेड ही हो ताकि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ रहे और आप अच्छा एक इम्प्रेशन भी जमा पाओ। ऑल राइट, सो सेकेंड रीज़न ये जवाब देने का मेरा ये था कि मैंने पेरेंट्स वाला जो पॉइंट है वो मैंने ऐड करा ताकि मैं एक इमोशनल कनेक्ट एचआर और दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कर पाऊँ। आई एक्चुअली मेंशन दिस पॉइंट ताकि आई कुड कम आउट एज अ पर्सन हु इज़ इमोशनली अवेलेबल। और नंबर 3 रीज़न ये है जो कि थोड़ा सा नंबर 1 वाले पॉइंट से मैच करता है, वो ये है कि मैं हर वक्त दिमाग पे मैंने ये रखा था कि मैं कोई भी मूवी का नाम मैं नहीं बताऊँगी ताकि मैं अच्छा सा एक इम्प्रेशन मैं एचआर पे कर पाऊँ। आई वॉन्टेड टू ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द एविएशन एंड कैबिन क्रू लाइफ थिंग सो दैट आई मेक मोर सेंस। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली इस राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरे मूवीज़ का नाम भी दिया था बट टू मी इट एक्चुअली मेड नो सेंस। क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे अपने कैबिन क्रू के इंटरव्यू के दिन पूछा गया था, पर्सनल राउंड में ये पूछा गया था दैट व्हाट केप्ट यू बिजी आफ्टर योर ग्रेजुएशन। दिस इज एक्चुअली अ पर्सनल क्वेश्चन, इसका जवाब मैं इस वीडियो पे नहीं देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल इंटरव्यू विच इज़ द फाइनल इंटरव्यू राउंड, उस राउंड में अगर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको अपने दिमाग पर एकदम पॉइंटर्स की तरह रखना चाहिए जब आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू पे जाते हो। जवाब देते वक्त ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 इज़ दैट ऑलवेज स्टार्ट बाय ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके ग्रीट करके आप अपना आंसर स्टार्ट करो। नंबर 2 इज दैट ऑलवेज एंड योर आंसर बाय थैंकिंग, जब आपका आंसर बोलना हो जाए तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूलना।
Number three is that always have a great posture and body language. Body language actually plays a very important role whenever you are in an interview. Answer to sunte hi hai HR. Especially in a cabin crew interview, body language or body posture bahut hi maine rakhta hai. Aap jab answer de rahe ho, aap dhyan mein rakhna ki aapka body posture bahut hi positive aur relaxed posture na ho. Number four point that you should specifically keep in your mind is that you should maintain eye contact with the HR और अगर आप GD round में हो, group discussion round में हो, तो other candidates के साथ भी आप एक eye contact maintain करते रहना. HR आपके तरफ नहीं भी देखते हैं, फिर भी आप HR की तरफ बिल्कुल देखना. Eye contact actually tells that this candidate is confident. जब आप confident नहीं होते हो या जब आप झूठ बोलते हो तभी आप eye contact नहीं करते हो. इसीलिए interview में हर वक्त eye contact maintain करने की कोशिश करिएगा. Number 5 point, last point but not the least, always wear a cute little smile on your face. Always remember that a smile is the most important accessory that you can wear. So always have a smile on your face whenever you are answering.